अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से आज पांचवा रोज़ा जो है वो सहरी की तैयारी करने वाली हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से रोज़े जो है ना वो सहर अफ्तार हो रहे हैं। आप बताएं, आप लोगों के सहर अफ्तार कैसे गुज़र रहे हैं, क्या रूटीन्स हैं आप लोगों की, और कौन कौन लोग बहुत बहुत सारा सारा दिन सो रहे हैं, और नमाज़ें कौन कौन पढ़ रहा है। अच्छा जी, सहर अफ्तार की माशाल्लाह से तैयारियाँ और बरकतें इस महीने की वो अलग ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम जो है वो सहरी बनाने के लिए जब मैं किचन में आती हूँ तो सुस्ती भी महसूस होती है और थकावट भी लग रही होती है, नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो एक जज्बा है दिल में, एक बरकत है हर तरफ इस महीने की के कुछ भी महसूस नहीं होता और बस ये होता है कि सहरी बनानी है। तो बस इस टाइम जो है ना थोड़ी थकावट भी होती है, नींद थोड़ी सी आ रही होती है, लेकिन उठकर जो है वो सहरी बनाना बड़ा ही अच्छा और एक्साइटेड लगता है। कहाँ हम लोग रातों को उठ उठ के पराठे खाएंगे, बस इसी महीने की बरकतें हैं ये सारी। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने बना लिए हैं पेड़े, सारे बनाने शुरू किए हैं, और बस यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बनानी शुरू करनी है। और इस टाइम जो है वो थोड़ा सा सन्नाटा भी होता है और बाहर से जो है ना नात की और दूसरी तीसरी आवाज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जी, सहरी के बाद, सहरी करने के बाद सो जाते हैं हम लोग। तो ये देखें, डे का टाइम है, काफ़ी धूप निकली हुई है, मैं उठी हूँ और आज जो है ना वो हेयर ऑयल एक बनाना था उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पर आई हूँ एलोवेरा लेने के लिए। और एलोवेरा जो है ना वो छत पर मैंने लगाया हुआ है, इसको अब इन दिनों हम लोगों ने इंडोर कर दिया हुआ है क्योंकि बाहर वाली साइड पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो जो एलोवेरा और बाकी के प्लांट्स हैं ना ये ज़्यादा धूप में मुरझा जाएंगे। तो बाहर जो है वो सिर्फ अंगूर का और आम का जो पौधा लगाया हुआ है ना वो भी बाहर पड़े हुए हैं, वो भी चल गए तो ठीक है, नहीं तो डेकोरेशन तो फिर है ही। तो वैसे भी पौधे जो है ना इनको साफ़ सुथरी जगह करके इन्हें हम लोगों ने सेट कर लिया है ताकि ये जो है ना एक अच्छी लुक भी दें, अच्छी वाइब्स भी आएँ इन्हें देखकर, और इनकी जो ना खूबसूरती भी हमें जो ना वो आंखों को प्यारी लगती है देखने में। देखते हैं जो लटक रहे हैं ना वो उतार लेते हैं ताकि जो है ना बच्चा तो हो जाए ये, ठीक है जी। यहाँ से उतार लेते हैं और इसको जड़ के साथ ही उतारना चाहिए, जड़ के पास से, जड़ के साथ नहीं, दो लीव चाहिए हमें यहाँ पर, ये देखिए जस्ट टू लीव्स। यहाँ पर जस्ट इसको मैंने जो है ना वॉश करके अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया और इसके जो है ना वो मैं छोटे छोटे पीसीस कर रही हूँ, छोटे छोटे क्यूब्स की तरह, और इसको जो अब हम सरसों में पकाएंगे। और आप एक बार, हाईली रिकमेंडेड है मेरे कहने पर, ये ऑयल बनाकर अपने बालों में ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा जो है ना हेयर सॉफ्ट हो जाते हैं, हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी बनती है, और सबसे ज़्यादा जो रुखे रुखे से रहते हैं गर्मियों में, उड़े उड़े से रहते हैं, वो भी इससे ना क्योर हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेमेडी है। कट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है जी 250 ग्राम के पास सरसों ऑयल है, आप वो भी किसी ऑयल में कर सकते हैं लेकिन सरसों ऑयल बेस्ट है, ठीक है। इसकी सारी जल जाए निकल जाएगी और इसमें जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। इसे आधे घंटे तक हम पकाएंगे, तकरीबन 30 मिनट तक। जेल जो है वो निकल के सरसों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और ये जो है ये एलोवेरा जो है ये ऐसे करके पिचक जाएगी, और ये देखें कितनी अच्छे से जो है ना ये इसमें जो है ना वो रोस्ट हो रही है, अच्छे तरीके से इसमें पक रही है। जस्ट ये जैसे ही पिचक जाएगी, जेल निकल जाएगी, इसको फिर जो है ना स्ट्रेन करके ऑयल हमारा तैयार हो जाएगा। पर जी ये देखें अच्छे से उसकी रंगत बदल गई है और जो है ना ऑयल पक गया और इसकी जो ना रंगत चेंज हो गई है, और बस इसको मैंने इसकी आँच बंद कर दी, ठंडा होगा तो इसको स्ट्रेन कर लेंगे, लग कर लेंगे। अच्छा जी ये देखें काफ़ी देर से इसको मैंने रखा हुआ है, अब ये ठंडा हो गया और इसका कलर भी जो है वो काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, ऑयल का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, रोस्ट हो गया। इसको यहाँ पर अब जो है ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अच्छा यहाँ पर ये देखें इसको अच्छे तरीके से ना निकाल लेंगे,
ठीक है। और ये देखें बिल्कुल ये जो है ना लीफ रह गया, इसमें से जेल बहुत अच्छे तरीके से निकल चुकी है, ये देखो। देखें जी कितना ज़बरदस्त ऑयल जो है ये रेडी हो गया। इसको जो अब ना मैं बोतल में निकाल लूँगी और इसको जो है ना काफ़ी लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन ऑयल है फॉर लॉन्ग हेयर, फॉर स्ट्रॉन्ग हेयर, हेयर ग्रोथ के लिए, और सबसे बढ़कर ये जो बाल इतने ज़्यादा उतरते हैं और रफ़ हो जाते हैं और गर्मियों में तो उड़े उड़े से रहते हैं, उसके लिए तो ये बेस्ट रेमेडी है। अच्छा जी यहाँ पर आज बनेगी पापड़ी चाट, तो पापड़ी चाट के लिए जो है ना उसका सीक्रेट मसाला यहाँ पर मैं जो रेडी करने वाली हूँ। इसके लिए चाहिए हमें 1/2 टीस्पून के हिसाब से जीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर नहीं सॉरी ज़ीरा, और इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन शामिल करूँगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा और सिर्फ ये है ना मेरे पास पाउडरी है लेकिन इसकी हम जस्ट एक पिंच डालेंगे, ठीक है। ये देखें सिर्फ एक चुटकी पाउडरी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और यहाँ पर जो होगी इसमें हम एक लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है जी सुर्ख मिर्च का पाउडर, वो भी बहुत थोड़ा सा, एक पिंच, ठीक है। यहाँ पर अब ये सारी चीज़ों को जो ना मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मेरे हाथ पे चोट लगी है और वो काफ़ी दिन हो गए हैं जो ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं इसे क्या हो गया, ज़्यादा बिगड़ गया काम। देखें जी यहाँ पर हमारा जो है ना चाट मसाला तैयार हो गया पापड़ी चाट के लिए, बस जस्ट इसको हम पोर करेंगे। ये हर तरह से परफेक्ट है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के घर का चाट मसाला, आलू चने का चाट मसाला तैयार हो गया। जो है ना इमली की खट्टी वाली खटाई बनाने के लिए मैंने इमली के जो पल्प हैं वो अलग कर लिए हैं, गुठलियाँ अलग कर ली हैं और पल्प वो हासिल कर लिया। इसमें जो है ना मैं डालूँगी ताज़ा पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पुदीना पाउडर है तो मैंने वही ऐड कर दिया है। और इसमें जाएगी 2-1.5 चम्मच चीनी, हम मीठे वाली पापड़ियाँ पसंद करते हैं, आप चाहें तो चीनी कम डाल सकते हैं या चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक और हल्का सा इसमें जाएगा सूखा धनिया। चलो जी एक तरह की जो ना लिक्विड वाली हमारी तैयार हो जाएगी, मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी यहाँ पर ये भी हमारी रेडी हो गई है, अभी इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी की वजह से जा गई, ये भी ख़त्म हो जाएगी। वाइट चने ऑलरेडी मैंने बॉयल कर लिए हैं और यहाँ पर जो है ना आलू जो है बॉयल किए हैं और उन्हें मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। और बहुत ही आसान है ये पापड़ी चाट बनाना, और अगर घर का आप मसाला इसमें शामिल करते हैं तो वो आपका जो है वो हाजमा ख़राब नहीं करता, और दूसरी बात ये होती है कि गला भी ख़राब नहीं होता। तो अगर आपने घर की चीज़ें डालकर कोई भी चीज़ बनाई हो तो वो आपको एक परफेक्ट फ्लेवर भी देती है और उसमें आपको डाउट्स भी नहीं होता कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ना शामिल हुई हो। हालांकि बाज़ार के चाट मसाले भी अच्छे होते हैं लेकिन अगर घर में आप बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मज़े का है। यहाँ पर जो है ना वो आलू मैंने पहले उनकी एक लेयर लगाई है, यहाँ पर जो है ना फिर अब मैंने चने की लेयर लगाई है, और ये देखिए अब ये जो मैंने चाट मसाला बनाया है उसको जो है ना वो मैं एक टेबल स्पून के हिसाब से पहले डाल के देख लूँगी, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो अपने लिए ज़्यादा भी मसाला डाल के तीखी बना कर भी खा सकता है। और फिर हमें तो ज़्यादातर मीठा मीठा ही अच्छा लगता है, हम इतना ज़्यादा इसको खट्टा नहीं रखते। यहाँ पर जो है वो इमली मैंने जो चटनी बना के रखी हुई है वो मैंने इसके ऊपर जो डाल दी है, और यहाँ पर जो है फिर मैंने दही मिक्स करके रखा हुआ था बीट करके वो भी मैंने इसके ऊपर मिक्स कर दिया था, और यहाँ पर जो है वो किस्टा की चटनी ऑल इन वन फेवरेट, और ये हमारी खटाई जो हमने तैयार की थी उसमें मैंने 2 आइस क्यूब डाल दिए ताकि वो ठंडी हो जाए और बड़ी मज़े की लगे। तो ये देखें जी फाइनल जो है ना वो हमारी
पापड़ी चाट की जो लेयर्स हैं ना वो रेडी हो गई हैं। पापड़ी अब जो है ना वो भी मैं आपको फ्राई करने का थोड़ा सा मेथड बताती हूँ। जैसे कि हम लोग फ्राई करते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। घर में आप पापड़ी चाट बनाना चाहें, मतलब ये पापड़ी फ्राई करना चाहें, बनाना चाहें तो बन जाती है। अदरवाइज़ आप रोल पट्टी ले लें या समोसा पट्टी ले लें, उसको अपनी मर्ज़ी से कट कर लें और इसको जो है ना वो आप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई करने के बाद उसको हमने बारीक बारीक सा तोड़ लिया था, छोटे छोटे पीसीस में तोड़ के, तोड़ने के बाद जो है ना इसके ऊपर डाल दिया और ये हमारी आज पापड़ी चाट। वैसे ये पहला ऐसा रमज़ान है जिसमें मैं जो है ना पापड़ी चाट बना रही हूँ। अदरवाइज़ हम लोग ना ज़रा केयर ही करते हैं कि गला ना ख़राब हो जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम घर में बनाएंगे तो फिर गला क्यों ख़राब होगा। अच्छा जी, आप लोग इफ्तार में क्या क्या खाना पसंद करते हैं और कितना हैवी होता है खाने के बाद, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत हैवी महसूस हो रहा था। पकोड़े और ये पापड़ी चाट खाकर काफ़ी हैवी हैवी सा लग रहा था, बट मज़ा बहुत आया। और रमज़ान के तो फिर अपने ही मज़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग सब इफ्तार के लिए बैठे हैं और आज का व्लॉग भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दिया करें और मुझे दें इजाज़त किसी नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।